पहले भी कहा, अगर कहीं कुछ नाराजगियां थी अल्लाह के फजल करम से वो दूर हो गई और मेरा छोटा भाई वापस अपने घर आया, अपनी जमात में आया। हमारे वालिद ने जमात के लिए बेशबहा कुर्बानियां दी है, अवाम के लिए, इस खित्ते के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए। तो आज ये अपने उस बाप के मिशन के साथ वापस जुड़े। होना तो ये चाहिए था कि हम सियासी ड्रामा भी कर सकते थे, यहाँ से जाके पार्टी हेडक्वार्टर में तमाशा भी कर सकते थे, लेकिन सिंसेरिटी यही है कि ये अपने भाई के पास आए। और इसे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना खुलूस है इस बात में। और इंशाल्लाह हमें इसी में स्ट्रेंथ है, हम इसी को लेके आगे बढ़े। मिल गया, कितनी मजबूती हो गई। इंशाल्लाह आने वाला वक्त बताएगा आपको, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। जो काम है वो ज्यादा दर्शाता है, अल्फाज कम माना रखते। तो डॉक्टर साहब, क्या खून के रिश्ते ने सियासत को हरा दिया? बुलेट इज ऑलवेज थिकर देन वॉटर। तो क्या रणनीति रहेगी आगे? आगे इंशाल्लाह हमें एक होके इस इलेक्शन में मेहनत करनी है, क्योंकि रियासत को बहुत सारे चैलेंजेस हैं। हमें उन लोगों के साथ मुकाबला है जिन्होंने 2014 में यहाँ पे, 2015 में जिस वक्त सरकार बनाई, उन ताकतों के साथ उस वक्त गठजोड़ किया, जिन ताकतों ने हमारे वो तमाम हकूक छीन लिए और हमें बेसर सामान छोड़ दिया। हम उन्हीं ताकतों के साथ यहाँ पे खड़े हैं, उन्हीं ताकतों के खिलाफ खड़े हैं। और इंशाल्लाह हमें लोगों के पास लेके जाएंगे, जो इन्होंने आज तक जो फॉलीज इन्होंने यहाँ पे की वो लोगों के सामने रखेंगे। और इंशाल्लाह यहाँ के लोगों के लिए हम आगे बढ़ेंगे और कामयाबी हासिल करेंगे। तारिक साहब, घर वापसी के हवाले से, घर वापसी के हवाले से क्या कहेंगे? बहुत खुश हूँ और अपने घर आया हूँ, अपने जमात में आया हूँ जो मेरे वालिद साहब की जमात है। और मैं बहुत आज खुश हूँ कि मैं अपने घर आया हूँ। और मेरा जो सियासी दौर रहा अपनी पार्टी के साथ बहुत अच्छा रहा उनके साथ, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरीके से अपना मानते थे, मुझे अपना भाई मानते थे, अपना बेटे जैसे कदर करते थे। और मुझे इस चीज़ से आज बहुत खुशी है कि हम दोनों भाई मिले। और ये हमारी इसीलिए है कि जो बिजनारा में जो डेवलपमेंट हुई, जो मतलब इनको इंतजाम मुफ्ती को मैंडेट दिया गया, और उस लिए मैं भाई के साथ आया हूँ और भाई को जितवाने के लिए। तारिक साहब, अपनी पार्टी का मैंडेट ठुकराकर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए, तो क्या आप भाई की हमदर्दी लेकर आई या फिर पार्टी का मंशूर? नहीं नहीं, मेरा अपना घर है, मैं भाई को हारते हुए नहीं देख सकता हूँ। और मेरी पहले से ही उम्मीद थी कि मेरा भाई MLA बने और आगे मिनिस्ट्री में भी जाए और वही